आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे यू मम्मी का भी और मेरे भतीजे का भी चैनल है, RIHURANA रीहू राणा के नाम से है, उसमें आपको मेरी मम्मी की और मेरे भतीजे की फ़ोटो दिख जाएगी, तो उसको भी बहुत सारा प्यार दो, लाइक और सब्सक्राइब रीहू चैनल और भावना मान व्लॉग। थैंक यू, आई होप कि आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो और मंगल हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप नहा लिए मन? बिल्कुल, आप रेडी हो? ऑन टाइम। मैं बस जा ही रही हूँ, लेकिन मैंने बाहर जाकर देखा ना, इतना प्यारा मौसम हो रखा है मन। वाह यार, बारिश आ रही है मन, कैसे ब्लैक ब्लैक मौसम हो रखा है। बारिश का मौसम हो रखा है अमन, इससे मैं नहा लूं? नहा ले, गेट बंद कर दिया गाइस, पड़े रहो बाहर दोनों मियां बीबी, आ जाओ जल्दी करो बस, चलो गाइस इतनी बारिश हो भी गई अमन, बारिश तो तेज हो गई, नालियां में से भी बाहर आ रहा है पानी। अमन नड़कड़ा लगाओगे आप, मोड़ कर ले लो, देखो तो हम तो मंदिर हो गया, ये देखो गाड़ भरी आज तो, और अमन के पुराने घर की गली देखो कितनी भरी पड़ी है, अब तो फिर भी देखो अमन के घर की पुरानी गली, गलियां गलियां कोई नहीं रोक सकता, ना बारिश ना तूफान ना आंधी ना बुखार, कभी तो छुट्टी मार लो ताकि बच्चे भी खुश हो जाए कि हाँ आज अमन सर नहीं आए, बच्चे खुश ही रहते हैं जब टीचर्स नहीं आते ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ टीचर्स नहीं आए, और स्पेशली बोर्ड टीचर तो थोड़े स्ट्रिक्ट, छुट्टी कर लो। मैं हूँ नहीं हो, अच्छे टीचर हो? नहीं मतलब तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, बुराई भी नहीं कर रहे, अमन हो चुके थे यार, बारिश अभी रुकी नहीं है और 7 बज गई, कोई तो रोक लो जी। तो घर का सारा काम हो गया फिनिश, बाहर जाकर देखा हूँ कैसा मौसम हो रखा है, थोड़ी पेट पूजा करो, भूख लग रही है, सुबह तो कुछ ना खाया, सुबह एक चाय पी थी, तो बाहर जाकर देखाऊंगी कैसा मौसम है, उसके बाद मैं अपने अपना सूट दिखाऊंगी कि आज का कैसा कलर का, या फिर कलर तो आपने दिख गया कैसे सूट है। सुबह तो इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी कि बस पूछो ही मत कि पूरा दिन बरसेगा, और ईब इसाई की आँख बिना खुल रही, बिना आज भी कपड़े धोए लेकिन अंदर सुखाने पड़े क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। चलो दिखाई दूँ मैं अपने कैसा मौसम, देखो जी धूप है, बस इतनी देर की बारिश थी, चलो अच्छा है अमन गाड़ी लेके नहीं गए, एक गाड़ी लेके मैं चली जाऊँगी कितने मेरे को गाड़ी चलाना आता है और मेरे को बाइक भी चलानी मैंने सीखी है, गाड़ी भी मेरे को ऑलमोस्ट आती है, बट थोड़ा हाथ साफ करना पड़ेगा गाड़ी पे तो ये मैं जाऊँ अंदर, ईब अपना थोड़ा कुछ खा पी लूँ, चाय बनाऊँगी और थोड़े मखाने और मूँगफली, फिर मनाएंगे जब केले लाएंगे, उसके बाद हम बनाना सीख पिएंगे, मैं पीऊँगी अमन नहीं, मैं तो मुझे को वीआईपी वाला फील नहीं होता। क्या वीआईपी वाला फील नहीं होता इस बात का, जिसमें मतलब आते ही कैमरा खुल जाता है तेरे नाम पे, हैं
वीआईपी इसमें क्या वीआईपी लाइक ऑटो कैमरा मतलब कुछ भी जैसे हीरो एंट्री मारता है मतलब कुछ भी बेटे राजी हो रहा है भीतर भीतर देखो मैं सोचूंगा मैं इस चीज में कोई तो किस चीज में है क्या कहाँ कहाँ रोटी कहीं नहीं खाना चल ये देखो इसके काम देखो आते ये मैं बढ़ाएंगे मैं कहूँ है भी कौन है ये देखो केन कचड़ा का कच्चा का खाना रोटी खा लेना है ये देखो देख एक तीतरी गर्मी ऊपर तो बता इनके इनके बिना रह जा हमन हाँ वो हमने ना पता ये बार मूड खाऊंगे उसके बाद रोटी खाऊंगे हद है यार मतलब इंसान आते हैं क्या कहें नो कमेंट्स अमन सोलो ही जल्दी तय 5:30 बजे उठ कर चलना है वॉक पे मैं तो रनिंग पे जाऊंगा वॉक पे तो नहीं जाना हाँ तो वॉक रनिंग उसी में होगी सोलो फोन में ना चला हुई मैं 5:30 बजे उठा दूंगी आपको मैं 5 बजे उठ जाऊंगा कहीं नहीं उठेंगे बस बड़ी बड़ी बातें क्यों सुबह कौन उठाता एक दिन उठ के कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आपने ये बताओ एक दिन से ही सारे दिनों का वो जो होता है ना बस 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं उठ जाना लेकिन मेरे को 5:30 बजे उठाना ठीक है मैं उठाऊंगा अपना बुक जियो मतलब नहीं मिले मतलब एक दिन मैंने नहीं उठा मतलब एक दिन मैं नहीं उठाऊंगी तो मतलब कह रहे कि मैं नहीं उठाऊंगा मैं तो आपको रोज उठाती हूँ उसका क्या है मैं चला जाऊंगा बड़े आप अकेला बात वो क्या करो जो आप पे टाइम पे जो नहीं उठे ना बात वो क्या करो जो आप पे सूट हो ठीक है आपको सारी सूट करती हैं जो आपको भी पता है कि आप मेरे बिना नहीं जाओगे शर्ट लगी है मैं आपको भी पता है हाँ या ना लगा लो मैं नहीं फोन रख के लौट जाओ 5:30 बजे उठना भी है और जाना भी है जाने के लिए खुद को भी लौटना पड़ेगा ले लौट गई लाइट बंद करकानी पड़ेगी वो आपके साइड है लाइट तो मैंने और मैं बनाना सीख मेरा कंबल आपका कंबल तो पता नहीं पर मेरा कंबल लड़ी है कहाँ है तेरा कंबल वो रखा चलो ठीक है जी मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करूँ हम तो रेस्ट करते नहीं फोन चला हुआ है 5:30 बजे तक रेडी हो जाना जब जाना 6 बजे तो 5:30 बजे उठ के क्या करेंगे तो पहले तैयार हो जाएंगे ना ताकि मैं तो रेडी हूँ मेरे को तो बस शूज पहनने मौसम का चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो जाना है तो जाना है दलदल मच रहा हो देखो गाइस मैं तो हाँ भरू हूँ जानते हैं चाहे बारिश हो तूफान हो आंधी हो यो यो ये नहीं जाएंगे फिर मैं तो एक दलदल में जे सुबह भी गया था आया भी हूँ ठीक है गाइस गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सारा नहीं मैं उठूँगी तो गुड इवनिंग हो जाएगी बाय बाय अमन तो सोते ना अमन लौट लो शाम में जाऊँगे 5:30 बजे फोन ना रख दो फोन तो मैंने कब का रखा हुआ है शायद तुमने चश्मा उतार रखा ना तो दिख नहीं रहा होगा नहीं इतना तो दिख रहा है कि तुम फोन चला रहे हो या नहीं चला रहे अभी थोड़ी देर पहले कहते देखो अभी रखा है आज अब सो जाओ 5:30 बजे उठना है मस्त मैं इंस्पायर्ड हूँ ठीक है ना किस्ते मिटते इंस्पायर होने के लिए है क्या किस चीज से इंस्पायर होऊंगा मेरे फिगर कोई एथलीट हो कुछ स्पोर्ट पर्सन हो तुम हाउसवाइफ इससे बड़ा शायद और कुछ नहीं होता हाउसवाइफ को फिर बाहर घूमने के लिए भी कुछ वो नीचे होता उसके घर के काम इतने होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक फिट रहता है हाँ तो मैं तो हूँ ना फिट हाँ तो बस लेकिन मैं तो आपको कंपनी देखने के लिए जाती हूँ ना ना मेरे को इतनी कंपनी की कोई जरूरत नहीं चलो ठीक है मैं ऑन कैमरा बोलती हूँ मैं नहीं जाऊँगी अगर मैं नहीं गई ना तो अमन मान भी नहीं जाएंगे ये भी मेरे को पता है अच्छे से और अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो भी अमन नहीं जाएंगे क्योंकि अमन उठेंगे 6:30 बजे उठते हैं अमन अगर मैं इनको नहीं उठाती तो वाह जरूर 6:30 7 नहीं वैसे सच बताऊं तो अगर मैं पापा गुस्सा हो गए किस बात पे सुबह उठते ही साथ पापा जब उठे होंगे पापा ने देखा होगा बाहर चीकू और वह सारे पेड़ फूड कटे हो बोला पापा मम्मी तो बोले आज तो सब कुछ काट दिया कुछ ना बच्चा खाली टहनी टहनी छोड़ दी है बस
पापा आधी मैंने काटी थी आधी मैंने काटी थी। जा मारे का करो मत करा करो ऐसे काम। मेरे तो किसी ने कुछ ना कही तो मैं तो काट सकूं जब तक मेरे तक कोई कुछ ना कहे। आपकी मम्मा तक आया इसका मतलब वैसे मम्मी काटती भी कौन है। चलो ठीक है कोई ना ये लौट जाओ मैं उठाऊंगी जब ये उठेंगे। वैसे मेरे को नींद नहीं आ रही अभी चले मौसम भी सही है। आई सीरियसली मैं अभी 4:30 ही तो हुए अभी। हाँ तो 4 हुए ना तो अभी चलते हैं 10 मिनट में। सॉरी यार 5 बजे तक आ जाएंगे। रेस्ट भी करना जरूरी होता है मन तुम्हें। मैं रेस्ट मैं फिट हूँ मैंने कोई दिक्कत ना रेस्ट फिट तो होनी लेकिन ये ना बोलो आप फिट हो। तुम चाहे 10 किलोमीटर चलवा लो। चलने को तो तू 20 किलोमीटर चलवा लो मतलब कहने का मतलब। पर एक इंसान अभी स्कूल में से आया है थोड़ी देर रेस्ट करके चिपक चिपक फिर होगी ना पैरों में फिर बोलोगे। वो तो एकदम इतना होता ही है मन। अच्छा अब आप तो डेली चलते हो इतना। हाँ मेरा हो जाता है 4-5 किलोमीटर। हाँ तो बस एक मेरे कल पैर दुख रहे थे तो यार क्योंकि वो मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद इतना चली हूँ मतलब अरमन डेली चलते हैं तो फ़र्क तो है ना। जैसे मैं बिजवासन में जाती थी वो सामने इवनिंग पे तो एक दिन थोड़ा पैर में पेन हुआ था उसके बाद तो नॉर्मल हो गया था। हैबिचुअल हो गई थी क्या आदत पड़ गई थी। तो वो तो है ही आदत पड़ गई थी पहले लेकिन अब यहाँ के ये ना ये मन जाके राजी नहीं होते इनको मेरे को फोर्स करना पड़ता है चलो 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 जब जाके चलते हैं ना मन का दिदा ना करता कितना भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर जाने का। मैंने तो बस सवा सुहा दो ग्रीन टी बात ऐसी मैं तो सोऊं थोड़ी देर आपने जो बनाना होगा रसोई रही और वो सामान रहा वो पानी रहा। गुड नाइट राम राम सारा ना। अमन सोचो देखो कैंडी क्रश खेल रहे हैं। अमन ये देखो मैं कह रही मैं कैंडी क्रश नहीं खेल रहा ये देखो। जब तो मन का मन नहीं करता जाने का क्योंकि 4:30 तक खेलेंगे और फिर 5 बजे नींद आओगे ना जब कहेंगे मैं नहीं जा रहा। ये देखो गाइस सबूत भी है देखो अमन आप कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हो देखो। जो मेरे को घूर रहा है ना संभल के रहे। क्यों आपको तो बो आपको तो बो कह रहे तो अमन है ना इसलिए अच्छा नहीं लगता। जब सोने का टाइम होता है ना रात को भी ऐसे ही करते हैं और दोपहर में भी यही कि बस कैंडी क्रश खेलते रहते हैं। मैं इसको ना डिलीट कर दूंगी। एक तो मैं तो ये पासवर्ड क्या पता चल गया। पासवर्ड तो आपको भी पता है मेरे फोन का डिलीट कर दूंगी। मेरे को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उनको पता है मेरे पासवर्ड। तो चल ठीक है आप दोनों चेंज करते हैं ठीक है। हेलो जी ये देखो जब तक मैं फ़ोन चला रहे थे और अब उठ नहीं रहे और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ और अब 5:30 हो गए हैं। मैं अमन के लिए ले आई हूँ अमन का ग्रीन टी एंड ब्रेड टोस्ट। अब अमन उठ नहीं रहे। अमन टाइम पे तो सोते नहीं है चलना नहीं है फिर उठो अपना टी टाइम अपना टी पियो देखा यही होता है टाइम पे ना सोने का नतीजा। मैं बिना अलार्म उठ जाती हूँ 5 बजे शाम को तो सुबह नहीं उठा जाता शाम को तो उठ जाती हूँ मैं अभी 5 बजे। अमन उठो अमन उठो ना 5:30 हो रखे हैं जाना नहीं है इसीलिए अमन के नेच नहीं करती। मैं ना हूँ ना तो अमन 7 बजे तक ना उठे और कहीं नहीं जाए मॉर्निंग वॉक पे ना इवनिंग वॉक पे। फाइनली मैं अमन ली आई और आज हम आए थोड़ी सी नई जगह पे देखने थी यहाँ कि यह जगह अच्छी है या नहीं। सो लेट्स गो अब मिलते हैं हम करने के बाद। ये हमने वॉकिंग एंड क्या अमन क्या देख रहे हो कुछ भी नहीं नई जगह ना देखो जंगा क्या देखनी मैं देखी दिखाई है वो रोहिणी है ना ये तो अमन तो एक एक रोड एक एक गली को जानता है ना।
चले तो व्यायाम तो करें अपनी जॉगिंग। तो ये लो जी, तो हमारी रनिंग हो गई है स्टार्ट। तो अमन सब तो आगे जा रखे हैं क्योंकि अमन रनिंग में वैसे तेज है, और मैं पीछे वीडियो बना ला रही थी। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा आज रनिंग ज़्यादा करी और वॉकिंग आज हमने कम करी, तो बहुत जल्दी हम थक भी गए थे और पसीने भी बहुत ज़्यादा आ गए थे देखो फेस पे। तो उसके बाद फिर 7 बज गए थे, फिर हम घर के लिए निकल लिए। और आज मौसम काफ़ी बेकार था क्योंकि हवा बिल्कुल भी ना चल रही थी, तो इसलिए कोई फ़ायदा ना है वॉकिंग और जॉगिंग कुछ भी करने का क्योंकि हवाएं ना चल रही थी। फिर उसके बाद हम गांव में पहुंच गए, देखो फिरनी रोड पे है, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। बाहर तक घूम फिर के आए थे तो सोचा चलो नींबू पानी ले बना लेंगे। नींबू देखने लग गए अड़े गए, ये देखो नींबू कितने भारे भारे नींबू लाग रहे हमारे। ईशान ये एक के है, ये रे ये रे, और अंदर की तरफ ये रे। नींबू तो खैर बतेरे हैं, ये भीतर जगह दिखाऊंगा कितना बड़ा नींबू हो रहा हमारा अपने। इस तरफ भी हैं पर ही फिलहाल ये पेड़ अपना सही हो गया, कम से कम फल तो देने लग गया। भीतर जाके भी इनका रिव्यू लूँगा कि भाई तुम नहीं सा नींबू देखो किसा के है। भावना ये देखा तूने? आम है क्या, क्या है ये? ये आम नहीं, आम तो नहीं। नींबू, नींबू अपने पेड़ का नींबू है ये? है नहीं? हाँ मैंने तो पहली बार देखा इतना बड़ा नींबू। क्यों इतने बड़े नींबू में क्या हो रहा था? ये तो एक कटोरा रस निकलेगा मैं तो आराम से। अरे ये तो अभी गुंजाइश थी इसमें, और बड़ा होगा। हाँ ये तो मैं मैंने वैसे तोड़ लिया। और ये वाटरमेलन बना कम से कम ये और भारी हो जाता अभी इसके अंदर मेरे ख्याल से कम नहीं ना तो 200 से 250 ग्राम वजन होगा। इसके 10-12 पीस करूंगा चमचा के इसमें होगा। फिर एक नींबू ऐसा छोड़ दो, उसको तोड़ो ही मत, उसको देखें वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, पता है ऐसे चलेगा वो पक गया, मतलब पक गया वो अपना खिल जाएगा। अच्छा हल्का हल्का छोटा नहीं था फिर आप छोटा इतना बड़ा तोबरा लिख रहे हो। प्लीज गिव मी नाइफ। इससे चाकू ना चाहिए थी, आ रही चाहिए आ रही। यू देखो दुगा, वाह पर बीज नहीं है। और खुशबू, खुशबू भी एक नंबर की आ रही है। मैं खा नहीं सकती ना मैं टच कर सकती क्योंकि यार मेरा फास्ट है तो कटाई से दूर है ना। तो बीज नहीं है पर इसमें एक बीज नहीं तो मौसमी सी लगा मन। तो देखो कहीं एक सिंगल बीज भी आया हो तो अमृत है। अमृत कैसे? अमृत ये अमृत कैसे हुआ? ये पता नहीं सुनने में आया था। हाँ। कोई बड़े बुजुर्ग कहता हो गया था कि जिस चीज में कोई बीज वगैरह ना हो ना खास करके नींबू में वो अमृत के समान होगा। यो अमृत तुम्हारा ना रहा है फिर हमारा फिर हम हमारे फिर तो मैंने बीज वाशन भी लेकर जाना पड़ेगा। यो ले जिए जब यो अमृत तो मैं अपने घर आ जाए पियाऊंगी देखेंगे इसमें कितना रस निकलेगा या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे यो भी हो सका है कि। अरे नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं होंगे अभी तो देखते जाइए बस। ये देखो कितने तो इसके पीस करे देखो मम्मी ने वहाँ तक खुशबू आ गई नींबू की। देखेंगे मैं कितना रस निकलेगा गाइस। ये भी तो रह रहे यार इतना रस निकल गया। ऐ शाबाश, बस हमें ना अभी तो जितना पीना उतना ही रस निकालोगे ना। तो ये जो एक्स्ट्रा है दो फाड़ इनका क्या करूँ? इन्हें कटोरी में ढक के या फिर ऐसे किसी चीज में रख दो, इतने रस का क्या करेंगे अब हम। ठीक है नींबू पानी बना देंगे। नींबू मम्मी पापा ने चा पी है, मम्मी पापा तो लेंगे। की कहो? सिर्फ ये दो फाड़ों का रस है जितना ये है ना भी यहाँ पे इतने का रस है इतना। आप इस सारे ने पी जाओ पूरे हेल्दी हो जाओगे। वो तभी तो लेके आया हूँ इतने टाइम बाद अभी तो नींबू पानी पीना शुरू कर रहा है। ना शुरू तो क्या करा है के वो शुरू तो क्या किया है तो
ये तो जब पीना चाहो जब पी लो, घर की खेती है, कितने पीते भी का हो, पीते का हो। ये तो अब थोड़े वॉकिंग पे जा रहे हैं, आने के बाद कुछ हेल्दी पीना है तो अपना नींबू पानी के अलावा तो कुछ हेल्दी है ही नहीं। ग्रीन टी आप पी के गए थे, ये बताओ अपने के पीना फिर आते यहाँ। जूस जास की तरह मिलता ही नहीं रोड पे, मतलब कहीं पे भी नहीं मिलता। हम सोचा अगर गन्ने का जूस पी का हमें या फिर मौसमी का, लेकिन कोई होता ही नहीं है, क्या करें बताओ। इसमें हमारी क्या गलती है ना? गलती उनकी है भाई। क्यों कह रहे, वीडियो बनी नहीं थी, कड़े खराबी आ गई वीडियो में। ये देख ले, ये बड़े वाली कटोरी आधी कटोरी भर गई है। अब तो मैंने बार थोड़ा बहुत छोड़ दिया ना, तो देखो ये आप इसमें पूरे पी जाओ, हेल्दी और सब कुछ हो जाओगे। फिर आप डाल दो। अगर नींबू पानी की रेसिपी चाहिए तो बता देना कमेंट करके, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे ना अमन। बिल्कुल, नींबू पानी की, हाउ टू मेक नींबू पानी, वो भी अमन के हाथ थे। क्योंकि मेरा काम सिर्फ मीठा पानी तैयार करने का है, नींबू को उसको मारना निचोड़ना वो अमन का काम है। बस आप दोनों ही हो, पापा और आप। वो थोड़ा ठंडा पानी, काला नमक लिया। अम्मी के बात है, खुशबू तगड़ी सी ठारा के रसोई में, के बना दिया? कुछ भी ना बनाया। देखो जाके के बनाया, के ना के बना दिया रे पराठे। और तो कुछ काम ना? किस किस के हैं वैसे ये? मेरे मेरे बस, आप लोगों की तो खिचड़ी है। दिमाग ठीक है? दिमाग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मतलब तुम पराठे खाओ या खिचड़ी खाएं? हाँ। ये गलत बात है, बल्कि मेरे को पराठे खाने चाहिए। क्यों? तुम कड़े दमाड़े हो गए, कड़ा कट गया। चाय कब देखो? चाय गर्मा गर्म यहाँ बन रही है। चाय चाय बन रही है यहाँ बन रही है। चाय ये देखो, चाय ये देखो, गैस जलाई जा रही है। जलाई जा रही है और जली हुई है पहले से गैस है। वो जलाना नहीं मतलब फूकना। ये देखो गाइस, हमारी खिचड़ी बन गई है, मेरी मेरी मम्मी की और मेरे पापा की। हम तीनों खिचड़ी खाऊंगे या एक लिए? मेरे डाइट चावल नहीं आ रहे हैं। क्या कहते मम्मी? कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे? जब मैं अपनी बना सकूं तो मैंने दो रोटी सेक ना। मम्मी कैसे नाश्ती भी खा रही है ये हेल्थी हुई। और भूख लग रही है? दे दो, देखना है। थकी ये कितने बना लाए? पांच नजर ना बनाओ। एक कम है, एक कम है, वो छह होने चाहिए इतने ही। कोई बात नहीं, चलो एंजॉय करो अपना खाना, चाय पराठे और पेठा लाल। हेलो जी, तो ये है आज मेरे पूरे सूट का लुक, कुछ इस तरह। तो आप लोगों को मेरा आज का सूट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो ये बज गए हैं 11, हम बाहर घूम कर आज ना आए क्योंकि हम आज कुछ काम कर रहे थे यूट्यूब का। ये और ये मैं जाऊँ दूध लैंड, उसके बाद मैंने जाकर करनी है प्रेस क्योंकि सुबह मेरे तक होती को ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।